दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक हरलाखी मधुबनी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में दुर्गा पूजा को लेकर बीडीओ कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रखंड के जनप्रतिनिधियों एवं दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बीडीओ व प्रभारी थाना अध्यक्ष योगेश्वर सिंह ने दुर्गा पूजा कमेटी को शांतिपूर्वक पूजा समारोह आयोजित करने व सरकार के गाइडलाइन को पालन करने का निर्देश दिए। वीडियो ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल में किसी प्रकार का तीव्र ध्वनि बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। प्रभारी थानाध्यक्ष ने कहा कि दुर्गा पूजा में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। किसी भी हाल में दुर्गा पूजा के मौके पर हुड़दंग करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि पूजा समिति को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि पूजा पंडाल में किसी प्रकार का भगदड़ न हो। मौके पर जीप प्रतिनिधि विजय मार्शल, मुखिया प्रतिनिधि बिल्टू महतो, मोहम्मद इब्राहिम, राजा राम यादव, सत्यनारायण महतो, लक्ष्मीकांत झा, अंकित कुमार झा, एमएलसी प्रतिनिधि दानिश इकबाल समेत दर्जनों गणमान व्यक्तियों ने भाग लिया। शांति समिति की बैठक आयोजन की गई, बताएंगे सर। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी दुर्गा पूजा आयोजक, विभिन्न धर्म के लोग, माननीय लोगों के साथ आज बैठक की गई है, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया है वो सबको बताया गया है। जैसे दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में डीजे बैंड रहेगा और इसके अलावा जो विसर्जन होगा वो नदी में नहीं करना। और कुछ कह रहे हैं और सभी लोगों से अपील है दुर्गा पूजा शांति और सद्भावना के साथ मनाएं। स्टेटमेंट करीब करीब मजिस्ट्रेट के साथ कोर्ट से पत्र लिखी की जाएगी। प्रशासन दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी दुर्गा पूजा आयोजक, विभिन्न धर्म के लोग, माननीय लोगों के साथ आज बैठक की गई है, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया है वो सबको बताया गया है। जैसे दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में डीजे बैंड रहेगा और इसके अलावा जो विसर्जन होगा वो नदी में नहीं करना। और कुछ कह रहे हैं और सभी लोगों से अपील है दुर्गा पूजा शांति और सद्भावना के साथ मनाएं। स्टेटमेंट करीब करीब आप हमारे द वॉइस ऑफ मधुबनी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको जिले के तमाम खबरें से अपडेट रखें।